everyone, welcome back to my channel. Hi dosto, my name is Vasudha, you can call me Disha. Today I'm back with Meesho Top Haul and ye mera second haul hai jo mera part 1 haul hai. I hope aap sabne abhi tak dekh liya hoga usko. So agar aapne nahi dekha hai to main description box mein apni link de dungi, wahan se aap check kar sakte ho. So without any delay, let's start our video. So I'm going to show you all these tops from Meesho. सो द फर्स्ट स्टेप जो मैंने मीशो से लिया है, मैं उससे पहले आपको एक अपडेट दे देती हूँ कि इससे पहले मैंने एक आपको हॉल में बताया था कि मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें 3-4 प्रोडक्ट रिटर्न हो गए थे. सो जो बाकी के 3-4 थे तो उस टाइम पे मैंने जो प्रोडक्ट रिसीव किया था उसका मैंने शूट कर दिया था 3-4 का, क्योंकि मुझे लगा वो आ जाएंगे तो उनको भी कर दूंगी मैं, बट वो आए नहीं है. सो वो जो दो टॉप है ना जो मैंने रिटर्न कर दिए, वो मैं आपको उसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा. मैं पहले वो दोनों ही आपको बता देती हूँ. तो जो फर्स्ट टॉप है वो है, दिस इज वाइट स्टाइलिश रैविशिंग वुमेन टी शर्ट. इसका दो ही कलर अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट. सो उनमें से मैंने व्हाइट कलर का मंगाया था क्योंकि ब्लैक कलर का ऑलरेडी मेरे पास था एंड व्हाइट कलर क्या मस्त दिख रहा था. मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी उसका ट्राई ऑन जो मैंने किया था उस टाइम पे, एंड इसका साइज जो है एक्स्ट्रा स्मॉल टू लार्ज अवेलेबल है और मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया था. एंड इसका प्राइस इज ओनली 184 रुपीज़. इतना प्यारा सा टॉप जो आप मेरे स्क्रीन में ट्राई ऑन में देख रहे होंगे, दिस इज ओनली फॉर 184 रुपीज़. एंड इसके रिव्यूज़ भी मैंने चेक किए, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे. एंड ये थोड़ा सा इसका फेब्रिक ना बहुत वाइट कलर का है तो इट्स लिटल ट्रांसपेरेंट, सो यू हैव टू वेयर ए वाइट ए न्यूड ब्रांड रेड. सो बट अच्छा था, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही फिट हो रहा था इसलिए मैंने उसको रिटर्न करवा दिया था. एंड दूसरा जो है इसको आप ब्लैक कलर के जीन्स के साथ ट्राई कर सकते हो. एंड दूसरा जो मैंने रिटर्न किया है दैट इज़ ये ऑरेंज कलर का टॉप है, दिस इज़ ट्रेंडी टैंक टॉप. एंड इसके 3 कलर्स अवेलेबल है मीशो पे, ऑरेंज, मेरून रेड एंड पर्पल वन. तो लैवेंडर पर्पल नहीं होता, हल्का सा वो वाला. सो इसका रिव्यूज़ भी चेक किया मैंने, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं. एंड ये जो ऑरेंज कलर का टॉप है ना, या आप इसके साथ आप वाइट या बीच दोनों कलर के पैंट या जीन्स जो भी आपके पास है वो ट्राई कर सकते हो. इसका प्राइस मुझे पड़ा था 227 रुपीज़ एंड इसका साइज मैंने लिया था फ्री साइज, इसका कोई साइज नहीं है, बस फ्री साइज अवेलेबल है. तो ये दो टॉप जो थे ये दोनों मैंने रिटर्न कर दिए क्योंकि ये दूसरा जो ऑरेंज वाला था वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, जो ऊपर उन्होंने कटिंग किया ना, पूरा स्लीवलेस था एंड ऊपर से उन्होंने ऐसा कटिंग किया था, मुझे तो उसको पहनने में ही 2 मिनट लगे कैसे पहनना है उसको. वो थोड़ा ट्रिकी था, बट दैट टॉप इज़ फैंसी स्टाइलिश. अगर आपको इस तरह की टॉप्स पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टॉप. अगेन द फैब्रिक इज सिमिलर टू द फर्स्ट वाइट वन, सो आप उस बेसिस पे ट्राई कर सकते हो. मैं इसका फैब्रिक देखती हूँ क्या लिखा है. इसका फैब्रिक है लिकरा, उसका भी सेम ही था. सो यहाँ ये दो टॉप अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई कर सकते हो. बाकी मैं आती हूँ जो मैंने अभी मंगाए हैं. सो दिस इज वुमेन पिंक टॉप एंड इसका मैंने साइज स्मॉल मंगाया है एंड इसीलिए मुझे ये लूज हो रहा है क्योंकि ये सबसे छोटा साइज था स्मॉल. इसका प्राइस मुझे पड़ा 275 रुपीज़. इसका बस यही कलर अवेलेबल है और कुछ कलर इसका अवेलेबल नहीं है. स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक आपको मिलेगा एंड इसका फेब्रिक लिख रहा है, बट ये एंड वो जो पहले मैंने दो टॉप दिखाया उन दोनों की फेब्रिक जो है वो बिल्कुल अलग है, बट पता नहीं क्यों लिख रहा लिखा है. दिस इज द टॉप, आई होप यू गाइस कैन सी इट. प्यारा सा पिंक कलर का हार्ट हुआ है यहाँ पे व्हाइट कलर के फेब्रिक पे एंड ये स्लीवलेस है. ये जो टॉप है ना इसको आप व्हाइट कलर के जीन्स के साथ पहन सकते हो, व्हाइट कलर के जो हाई वेस्ट जीन्स होता है, हाई वेस्ट ब्लू डेनिम के साथ भी इट विल लुक गुड, एब्सोल्युटली गुड. तो दोनों के साथ आप ट्राई कर सकते हो, व्हाइट एंड ब्लू. व्हाइट के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें व्हाइट है, तो या आई कैन स्टाइल इट लाइक दैट. बट ये मेरे साइज का नहीं है तो ये बिल्कुल लूज हो रहा है मुझे. बाकी इसकी फैब्रिक बहुत ही स्मूथ है, आई मीन आई विल शो यू, आई होप यू गाइस कैन सी इट. इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है एंड दिस इज स्ट्रेचेबल, सो अगर आपको ये फिट भी हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, ये स्ट्रेच हो जाएगा. सो या आई कैन ट्राई दिस टॉप. अगर आपको ऐसे बारबी जैसा फील चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो. सो सॉरी गाइज, मेरी लाइट अचानक से रिंग लाइट जो है वो काम करना बंद कर दी, सो आई हैव टू शूट हियर इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट. मैं जो बचा है अभी मैं आपको बहुत जल्दी दिखा देती हूँ. सो फर्स्ट वन इज़ जो मैंने आपको पहले दो टॉप्स बोले थे ना कि मैंने रिटर्न कर दिए थे, उनके साथ मैंने एक तीसरा भी मंगाया था जो कि ब्लैक कलर का टॉप है एंड उसको मैंने रख लिया था क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था. वो मैं दिखा देती हूँ आपको. सो दिस इज़ द टॉप. इसका प्राइस मुझे पड़ा 230 समथिंग एंड इसका साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया था. ये मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है एंड इसको मैं आपको अभी दिखाती हूँ. इसके साथ आप ब्लैक कलर के जो भी जीन्स है ना वो ट्राई कर सकते हो. इसमें वो वाइट कलर का दिया हुआ है बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो नेक है ना वो बहुत डीप है, स्क्वायर नेक है. एंड इसका स्लीव आप चेक कर सकते हो, फुल स्लीव है. यहाँ पे उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, नीचे भी उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है. सो आप इसको ब्लैक कलर के जो जीन्स या फिर ट्राउज़र होते हैं ना हाई वेस्ट के, उसके साथ ट्राई कर सकते हो.
इसकी जो फैब्रिक की जो क्वालिटी है ना वो बहुत स्ट्रेचेबल है। आई मीन एंड इसकी क्वालिटी फैब्रिक की इतनी भी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की है, सो वो आपको ध्यान में रखना है। बट इसकी जो इन्होंने डीप स्क्वायर ने किया है, बाय गॉड ये इतना सुंदर दिखता है, इतना सेक्सी है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो आप बिल्कुल ट्राई करना है इसको। ओके जो नेक्स्ट वन इज दैट इज दिस वन शोल्डर क्रॉप टॉप, ये मैंने पर्पल कलर का मंगाया था। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने क्या एक्चुअली मंगाया था, बट मुझे क्या रिसीव हुआ है वो भी आपको दिखाती हूँ। इसका प्राइस पड़ा मुझे कुछ 179 रुपीज एंड इसका साइज मैंने स्मॉल लिया है, मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बट द डिफरेंस कलर डिफरेंस इज ह्यूज। आई मीन ये टॉप का देख लो आप एंड इसका स्लीव का देख लो, दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। आई मीन दिस इज लुकिंग सो चीप, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। आई मीन इफ यू ओके विद दिस कलर डिफरेंस देन यू कैन गो फॉर इट, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। इसका स्लीव क्वालिटी वैसे देखो तो अच्छा है इसका। इसका जो ये जो फैब्रिक है ना वो क्रीप फैब्रिक है एंड इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा वो गंजी कपड़ा जैसा होता है ना, वो लिक्रा फैब्रिक है। बट फिटिंग इज ऑल्सो रियली गुड, फिटिंग बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग आई एम डिसअपॉइंटेड कि ये वो कलर डिफरेंस है दोनों का। अगर कलर सेम रखते देन इट वॉज फाइन विथ मी एंड ये अच्छा भी दिख रहा है मुझ पर, सो या आई कैन ट्राई। इसको आप ब्लैक कलर जीन्स के साथ ट्राई कर सकते हो, व्हाइट के साथ भी ट्राई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगी ब्लैक। थोड़ा सा ये जो कलर है ना वो मेरा सा कलर है, इसका डीप कलर जो ब्लैक कलर है ना वो ज़्यादा अच्छा लग गया, सो या आई कैन डेफिनेटली ट्राई। दिस वायरल कोरियन टी शर्ट फ्रॉम मिशो एंड ये आपने बहुत रील्स में देखा होगा क्योंकि मैंने भी देखा था, तभी मैंने मुझे पसंद आ गया तो मैंने खरीदा, बट ये मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी आपके ऊपर अच्छा लग सकता है, ट्राई कर सकते हो। मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, इसका प्राइस मुझे पड़ा ओनली 275 रुपीज़। इसका साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है एंड इसकी जो फैब्रिक है ना वो फैब्रिक है लिक्रा फैब्रिक है। इसमें उन्होंने वो प्रिंट किया है बस थोड़ा सा, मतलब ये कोरियन वाइब देता है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही देता है क्योंकि वहाँ पे उनके जो बच्चे हैं स्कूल के कुछ ऐसे ही शॉर्ट पहनते हैं, सो इट डज लुक लाइक दैट। एंड मैंने इसको एक रील में देखा था, वायरल रील में, एक लड़की ने उसको मिनी स्कर्ट के साथ पहना था, प्लीटेड स्कर्ट के साथ पहना था ब्लैक कलर की, तो उसके साथ ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना आप स्कर्ट के साथ कंफर्टेबल हो देन आप इसको ट्राई कर सकते हो ब्लैक कलर के स्कर्ट के साथ, अच्छा लगेगा। अदरवाइज यू कैन ट्राई इट विथ ट्राउजर और फिर जीन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो, ब्लू या फिर ब्लैक दोनों के साथ चल जाएगा, अच्छा लगेगा। सो या यू कैन ट्राई, बट मुझ पे ये अच्छा नहीं लगा है तो बाकी इट्स ऑन यू, यू कैन ट्राई डेफिनेटली। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लो ना, ट्राई करने में क्या जाता है, इट्स नॉट सी थ्रू, छोटा टॉप है, सो या यू कैन ट्राई दिस वन। लास्ट शर्ट इज हल्का, दैट इज ए कोरियन शर्ट एंड इसको अगर आपने व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, अगर वो कोरियन ड्रामा आपने देखा होगा तो आप इस शर्ट को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि मैंने भी उसको जो लड़की थी उसमें हीरोइन थी उसने ये शर्ट ही पहनी, होल सीजन में उसने यही शर्ट पहनी है इस तरह की डिज़ाइन की, सो मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी वो शर्ट उस पर, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, सो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी। एंड ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली, बट दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट कोरियन हीरोइंस शर्ट। सो यहाँ पे उन्होंने इसको ऐसे इसके अंदर डाल के टाई जैसा किया हुआ है ट्राई, बहुत ही सुंदर कलर है इसका, पीच कलर आप देख सकते हो। एंड इसके स्लीव मैं आपको दिखाती हूँ, स्लीव पूरा फुल स्लीव है एंड इसका जो लेंथ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेंथ इसका भी बहुत अच्छी खासी है। बट आप इसको ना इन करके पहनना कोई ब्लैक कलर के जीन्स के साथ या फिर ट्राउजर के साथ या फिर पेंसिल स्कर्ट के साथ अगर आप ऑफिस जाते हो देन यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ पेंसिल स्कर्ट ब्लैक कलर के साथ, दिस विल लुक रियली गुड बिकॉज ये थोड़ा सा मेला सा कलर है, तो ब्लैक के साथ डीप कलर के साथ इट विल लुक गुड, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन बिकॉज दिस द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज रियली गुड। बट हाँ आपको थोड़ा सा इसको आयरन करना, आयरन करके पहनना पड़ेगा, कि आप देख सकते हो ऐसे थोड़ा सा वो हो जाता है इसको आयरन करके, इसका क्रीप फैब्रिक है ना तो वो हो जाता है, तो आपको इसको आयरन करके पहनना पड़ेगा, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हॉल, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट हॉल, टिल देन टेक केयर, बाय।